हे फ्रेंड्स, दिस इज सोनिया एंड वेलकम टू माय YT चैनल चौक एंड डस्टर्स क्लासेस। तो फ्रेंड्स, हम आज हमारे नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं, कोशिका संरचना और उसके कार्य प्रकार्य, उसके प्रकार, उसके कार्य भी और प्रकार्य भी। ठीक है, तो कोशिका जो है सबसे पहले हमारी जीवन की मूलभूत संरचना को कोशिका कहा जाता है, जिससे हमारे जो एक एक कोशिका से उत्तक बनेगा, उत्तक से फिर अंग बनेंगे, है ना, अंग से अंग तंत्र बनेंगे और अंग तंत्र से पूरा शरीर। तो हमारे शरीर की जो मूलभूत इकाई है वो कोशिका ही है। तो इस टॉपिक के हम बहुत सारे जो वन लाइनर क्वेश्चन है वो करने वाले हैं, और सारे के सारे जो है NCERT की 8th क्लास की जो बुक है उसमें ये टॉपिक पूरा है, उसमें ये लेसन दिया हुआ, उसकी एक एक लाइन से ये सारे क्वेश्चन बनाए हैं। 50 से 55 क्वेश्चन है, पूरा टॉपिक इसमें कवर हो जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, कोशिका का क्या अर्थ है? तो कोशिका का अर्थ क्या है? जीवकोश, सेल, गुट। ठीक है, और ये सेल नाम किसने दिया था ये आगे मैं आपको बताऊंगी, जिन्होंने सबसे पहले कोशिका को खोजा था, मृत कोशिका को खोजा था 1665 के अंदर, उन्होंने ही कोशिका का नाम सेल दिया था। कोर्क के स्लाइड्स में क्या दिखाई दिए थे? जो कोर्क के स्लाइड में मृत कोशिका सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने खोजी थी, वो कोर्क की जो स्लाइड थी उसके अंदर क्या दिखा था? उसके अंदर दिखे थे बक्से नुमा संरचनाएं, दिखी थी मधुमक्खी के छत्ते जैसी थी वो। प्रकार्य का क्या अर्थ है? प्रकार्य का मतलब यहाँ पे प्रकार है, कार्य नहीं है, प्रकार है। ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। सबसे बड़ी जो कोशिका है ना वो शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। सबसे लंबी कोशिका मानव शरीर में तंत्रिका कोशिका को कहा जाता है, सबसे लंबी होती है। और रॉबर्ट हुक की बक्से नुमा संरचनाएं वास्तव में कैसी थी? कैसी थी? मृत थी, सजीव नहीं थी वो। ठीक है, मृत थी, निर्जीव थी। सबसे पहले जो कोशिका खोजी गई थी रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 के अंदर, वो मृत कोशिका थी। किस तरीके की मृत कोशिका? और जीवित कोशिका जो बाद में खोजी गई थी वो ल्यूवेन होक ने खोजी थी 1674 के अंदर, वो थी जीवित कोशिका। सजीवों में कोशिका की संरचना कैसी होती है? जटिल होती है। जो सजीव होते हैं ना उनके अंदर कोशिका की संरचना जटिल होती है। जीवित कोशिकाओं को किसकी सहायता से देखा जा सकता है? जो कोशिकाएं जीवित होती है उनको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है, और रॉबर्ट हुक ने भी सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही कोशिका को देखा था। मुर्गी का अंडा कैसी कोशिका है? ये एकल कोशिका है। मुर्गी का अंडा जो है वो एकल कोशिका होती है। रॉबर्ट हुक ने कोष्ठ को किसका नाम दिया था? रॉबर्ट हुक ने जो कोष्ठ था, जो कोष्ठ उन्होंने देखा था मधुमक्खी के छत्ते जैसा, जो मृत कोशिका थी वो, उसको नाम दिया था कोशिका का। अमीबा कैसा जीव है? अमीबा एक कोशिकीय जीव है, और अमीबा के साथ साथ पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है, जीवाणु भी एक कोशिकीय जीव है। और यहाँ पे जो रॉबर्ट हुक ने कोष्ठ खोजा था, अब उस टाइम क्या है, इसको कोशिका नाम से नहीं जाना जाता था, क्योंकि पहले जानते ही नहीं थे। उससे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में जो खोजी थी ना कोशिका, उस टाइम इसका कोशिका नाम नहीं था, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था भाई इस तरीके की कोई संरचना भी होती है क्या। इस तरीके की संरचना से जो जीवन है पूरा, या सजीव है, या सजीव का शरीर जो है वो पूरा बनता है, निर्जीव का शरीर जो है पूरा बनता है। जैसे एक मकान होता है वो ईंट से ईंट मिला के ऊपर रखते जाते हैं फिर बनता है ना, तो उसी तरीके से हमारा शरीर भी बनता है, इस बात का किसी को पता नहीं था। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले खोजा और उसका नाम कोशिका रखा गया था। ठीक है, अमीबा कैसा जीव है? एक कोशिकीय, और पैरामीशियम और जीवाणु भी एक कोशिकीय जीव है। निषेचित अंडा क्या करता है? जो निषेचित अंडा होता है वो गुणन करता है। क्या करता है? गुणन। मनुष्य के शरीर में कितनी कोशिकाएं पाई जाती है? खरबों, बहुत सारी कोशिका। अब मनुष्य को पूछ लिया जाए, हाथी का पूछ लिया जाए, ठीक है, इनमें अरबों खरबों कोशिकाएं पाई जाती हैं। कोशिका का समूह किसका निर्माण करता है? कोशिका का जो समूह होता है वो उत्तकों का निर्माण करता है। और सेम कार्य करने वाले जो उत्तक होते हैं, यानी सेम कार्य करने वाली कोशिकाओं से एक उत्तक बनेगा। ठीक है, फिर जो उत्तक होते हैं, जो सेम कार्य करने वाले उत्तक होंगे उनसे अंग बनेगा। ठीक है, और अंग क्या बनाएंगे? अंग तंत्र बनाएंगे, और अंग तंत्रों को मिलाने से क्या बनेगा? शरीर बनेगा। ऐसे ही होता है ना, कोशिका से उत्तक, यानी जो सेम कार्य करती है ना वो कोशिका मिलेगी, उनसे उत्तक बनेगा, उत्तक से
अंग बनेगा, अंग से अंग तंत्र बनेगा और अंग तंत्र से शरीर। ये जो क्रम है ना, ये बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया है कि क्रम बताइए, हमारे मानव शरीर की पूरी संरचना का क्रम बताइए। लंबी कोशिकाओं के शरीर व आकार कैसे होते हैं? लंबी जो कोशिकाएं होती है, जैसे तंत्रिका कोशिका होती है, उनके सिरे और आकार, उनके सिरे और आकार, ठीक है, सिरे होते हैं नुकीले और आकार होता है तर्कुरूप। कैसा होता है? तर्कुरूप आकार की होती हैं वो। उसके बाद में ओमनी सेलुला ई सेलुला, ये किसने कहा था? ये कथन जो है रूडोल्फ विर्चो का था, रूडोल्फ विर्चोव का था, विर्चोव या विर्चो, ठीक है, रूडोल्फ विर्चो का था। और इसका मतलब था कि प्रत्येक नई कोशिका का जो निर्माण होता है वो पुरानी कोशिका के आधार पर ही होता है। यानी कोशिका जो नई कोशिका बनती है ना, वो पुरानी कोशिका के आधार पर ही बनती है। और जीव की जो शुरुआत होती है ना, वो एक कोशिका से ही होती है। हमारी शुरुआत भी एक कोशिका से ही हुई थी, जब बच्चा माँ के पेट में होता है ना, और जब गर्भाधान होता है तो उस टाइम क्या होता है, एक कोशिका से ही बच्चा बनना शुरू होता है। और वो धीरे 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 जैसे बनता जाता है, गर्भ के बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स को कवर करते हुए फिर उसका जन्म होता है। फिर धीरे धीरे उसकी बहुत एक कोशिका से बहुत सारी कोशिकाएं, अरबों खरबों कोशिकाएं बन जाती है। अमीबा की आकृति कैसी होती है? अनियमित होती है, एक कोशिकीय जीव होता है, अनियमित होती है, कभी छोटा कभी बड़ा होता रहता है अमीबा। कौन सा कोशिकांग केवल पौधों में पाया जाता है? कोशिका भित्ति सिर्फ पौधों में होती है, जंतुओं में नहीं होती। कोशिका भित्ति जो होती है, क्योंकि जंतु जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, खुद को शेल्टर भी कर सकते हैं, ठीक है। जंतुओं को ये डर नहीं होता कि अगर कोई तूफान आ जाएगा, कोई भी किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है, तो वो अपने शेल्टर में चले जाते हैं, उनको ये दिक्कत नहीं होती। लेकिन पौधे क्या है, वो तो एक जगह खड़े रहेंगे, तो उन्हें बाहरी वातावरण की प्रॉब्लम से बचने के लिए जो भित्ति होती है ना, कोशिका भित्ति, वो उनके पास होती है, और उसकी वजह से वो बाहर के वातावरण में सभी चीज़ों को वो झेलते हैं। कौन सा कोशिकांग आत्मघाती थैला के नाम से जाना जाता है? लाइसोसोम को जो है वो कोशिका का आत्मघाती थैला कहते हैं। कौन सी संरचना अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? कौन सी नहीं है? वृक्क जो है अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज थी वो अल्टमैन ने की थी, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज किसने की थी? अल्टमैन ने की थी, और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं, या फिर रसोई घर, ठीक है। कौन सी जो कोशिका है शाखित और लंबी होती है? शाखित मतलब बहुत सारी शाखाएँ होती हैं इसकी, और लंबी होती है, वो तंत्रिका कोशिका होती है। मानव शरीर के अंदर सबसे लंबी कोशिका होती है ये। कौन सी संरचना आनुवंशिक गुणों तथा लक्षणों के जनक से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करती हैं, ठीक है। आनुवंशिक जो गुण होते हैं उनको और लक्षणों को अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करती है वो क्रोमोसोम, ठीक है। और गुणसूत्र किस पे लगे होते हैं? गुणसूत्रों का स्थानांतरण कौन करता है? वो जीन्स करते हैं, ठीक है। और जो आनुवंशिक गुण और लक्षण होते हैं उनको अगली पीढ़ी में स्थानांतरित क्रोमोसोम, है ना। कितने जोड़े क्रोमोसोम्स होते हैं कमेंट में बताना। अमीबा की आकृति कैसी होती है? अनियमित होती है, एक कोशिकीय जीव होता है। मधुमेह का कारण क्या है? मधुमेह किसको बोलते हैं सबसे पहले तो ये बताइए, डायबिटीज़ को। इंसुलिन की कमी के कारण जो है मधुमेह यानी डायबिटीज़ हो जाता है। इंसुलिन जो है हमारे शरीर के अंदर शर्करा की मात्रा को कंट्रोल रखता है, ना ज़्यादा होने देता है ना कम होने देता है, ठीक है। गाइटर रोग व्याधि, गाइटर नामक जो व्याधि है, जो रोग है, उसका संबंध किससे है? थायराइड ग्रंथि से, जो गले के अंदर होती है ना। और गाइटर रोग वाले लोगों का जो गला है वो सूजा हुआ होता है, काफ़ी सूजा हुआ मोटा सारा हो जाता है, और ये थायराइड ग्रंथि की वजह से होता है गाइटर रोग। इंसुलिन का श्रावण करता है, अग्नाशय से इंसुलिन का श्रावण होता है। कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट होता है, हरे रंग का, ये मानव जंतु कोशिका के अंदर नहीं पाया जाता, ये केवल और केवल पादप कोशिका के अंदर पाया जाता है। उस मानव कोशिका का नाम बताओ जो आकार बदलता है, लाल रक्ताणु RBC, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो आकार बदलते रहते हैं, ठीक है। किसका मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण करना होता है? राइबोसोम का जो मुख्य जो कार्य होता है ना, वो प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है। उसके बाद में जीवित कोशिका किसने खोजी थी? ल्यूवेनहॉक ने 1674 में। और कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्वान
1831 और स्लाइडर ने दिया था 1838 और 39 के अंदर, और इससे पहले सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में बोटल की कॉर्क के अंदर कोशिका खोजी थी, कोशिका नाम भी दिया था उसको, ठीक है, और वो कोशिका मृत थी। रॉबर्ट हुक ने कॉर्क में कोशिका देखी थी 1665 के अंदर और ये मृत कोशिका थी और इसको सेल नाम यानी कोशिका नाम दिया गया। अरबों कोशिकाओं वाले जीवों का प्रारंभ किससे होता है? सिर्फ एक कोशिका से होता है, जैसे कि हमारा शरीर भी है। कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है और ये सेलुलोज जो होता है पचाने के अंदर बहुत ही हार्ड होता है, इसको बहुत मुश्किल से पचाया जा सकता है। जैसे कि हम खाना खाते हैं तो हम बहुत आसानी से पचा सकते हैं, लेकिन अगर हम ओनली सैलेड खाएंगे ना तो वो बहुत मुश्किल से पचेगा, पचता ही नहीं है, बहुत धीरे धीरे पचता है। जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से बना होता है उन्हें कहते हैं बहुकोशिकीय, ठीक है। एक कोशिका क्या है? निषेचित अंडा है। जो एक कोशिका होती है ना, एक कोशिका जीव होते हैं, एक कोशिका जैसे मुर्गी का अंडा होता है, एक कोशिका होता है, तो वो निषेचित अंडा होता है जो गुणन करता है। क्या करता है? गुणन करता है। निषेचित अंडा क्या करता है? गुणन। किसके साथ कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है? वृद्धि के साथ, परिवर्धन के साथ, यानी एक कोशिका से बहुत सारी कोशिकाएँ, अरबों खरबों कोशिकाएँ बन जाती है, वो किसकी वजह से बनती हैं? वो बनती हैं वृद्धि और परिवर्धन के कारण। उसके बाद में एक कोशिकीय जीव करता है। एक कोशिकीय जीव क्या करता है? श्वसन करता है, उत्सर्जन करता है, वृद्धि, प्रजनन। यानी एक कोशिकीय का मतलब ये नहीं है कि वो बहुकोशिकीय जीवों की तरह कार्य नहीं करेगा, वो करेगा, वो सब करता है जो बहुकोशिकीय जीव करते हैं। अंगों की संरचनात्मक में मूलभूत इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। और जीवन की संरचनात्मक और मूलभूत इकाई भी तो कोशिका ही है। कोशिका की तुलना किससे की गई है? ईंटों से। जैसे एक एक ईंट मिलाने पर पूरा मकान बनता है, वैसे एक एक कोशिका से पूरा शरीर बनता है। विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं को जोड़कर क्या बनता है? सजीव और शरीर। पादप अभिरंजक है सेफ्रिन। कोशिका कितने प्रकार की होती है? दो तरह की होती है। पादप कोशिका में नहीं पाया जाता, प्लास्टिड नहीं पाया जाता, ये सिर्फ जंतु कोशिका में होता है। कोशिका में एक गुणसूत्र उपस्थित होते हैं, केंद्रक में होते हैं, इसे सेफ्रिन द्वारा अभिरंजित किया जाता है। इसे जो कलर मिलता है वो सेफ्रिन से मिलता है। स्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है, जिसमें स्पष्ट केंद्रक नहीं होता, जीवाणु केंद्र स्पष्ट केंद्रक नहीं होता। सबसे छोटी एक कोशिकीय जीव है, सबसे छोटा जो एक कोशिकीय जीव है वो माइकोप्लाज्मा है। कौन सा है? माइकोप्लाज्मा। सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सबसे पहले दिया था? रॉबर्ट हुक ने दिया था 1665 में, जब इन्होंने मृत कोशिका बोतल की कॉर्क में खोजी थी, तब उसको कोशिका नाम से नहीं जाना जाता था। उस टाइम पता ही नहीं था कि ये कोशिका भी कोई बीमारी होती है। तो सेल जो है उस जो बोतल की कॉर्क में जो छत्ते नुमा संरचना देखी गई थी उसको सेल नाम दिया गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा, जो कि हमारे जीवन की भौतिक और मूलभूत इकाई होती है। कौन सी संरचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका में विभेदित करती है? सेंट्रियोल जो होता है ना, वो जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है। पता लगाया जा सकता है कि ये जंतु कोशिका है और ये वनस्पति कोशिका है सेंट्रियोल के द्वारा। कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है डीएनए। रक्त कोशिका शाखान्वित होती है? नहीं, रक्त कोशिका जो होती है वो शाखान्वित नहीं होती, उसकी शाखाएं नहीं होती तंत्रिका कोशिका की तरह। कोशिका झिल्ली कैसी होती है? चयनात्मक होती है, पारगम्य होती है, और ये एक कोशिका को दूसरी कोशिका से अलग करती है। कोशिका के अंदर आने जाने वाले पदार्थों को भी ये रोकती है, ठीक है। तो ये चयनात्मक पारगम्य होती है, ठीक है जी। जैसे इस तरीके से कोशिका होती है, तो इन कोशिकाओं को जो अलग अलग करता है ना, वो कोशिका झिल्ली करती है। इसके ऊपर एक पतली 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 एक संरचना होती है, मतलब जैसे प्याज की एक एक आप परत उतारते जाओगे, उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा पतली और वाइट कलर की एक झिल्ली होती है, आप उसको उतार के देखना, सेम वैसी ही कोशिका झिल्ली भी होती है। पादप कोशिका में क्या होता है और जंतु कोशिका में क्या होता है? तो
पादप कोशिका के अंदर राइबोसोम होता है, अंतःप्रद्रवी जालिका होती है, गोल्जीकाई होता है, हरित लवक होता है, जिसकी वजह से पादप जो है अपना भोजन बनाता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, केंद्रिका होती है, केंद्रक भी होता है, कोशिका भित्ति भी होती है, जिससे वो बाहर के वातावरण की प्रॉब्लम से खुद को बचाता है, कोशिका झिल्ली होती है और ये कोशिका झिल्ली चयनात्मक और पारगम्य होती है, रिक्तिका होती है और ये बड़ी होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है जिसे कोशिका का शक्ति ग्रह बोलते हैं, कोशिका द्रव्य होता है, और जंतु कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली होती है, चिपचिपा पीला पदार्थ होता है ना, गोल्जीकाई होता है, अंतःप्रद्रवी की जालिका होती है, केंद्रिका होती है, केंद्रक होता है, कोशिका द्रव्य भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, रसधानी और रिक्तिका। रिक्तिका जंतु कोशिका में छोटी होती है और पादप कोशिका में बड़ी होती है। तो ये जो पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन और कोशिका का पूरा टॉपिक इसके अंदर कवर हो जाता है। इसके अलावा जो है पूरे एनसीईआरटी की 8th क्लास के अंदर जो हमारा ये लेसन दिया हुआ है उसके अंदर इनके अलावा और कोई भी क्वेश्चन नहीं बन रहा। और मैंने आपको पहले ही बताया है हर वीडियो के अंदर, साइंस की हर एक क्लास के अंदर मैं आपको बताती हूँ कि किसी भी जो कोशिका के 7-8 टॉपिक हैं और जो 5 क्वेश्चन आएंगे वो बहुत ज़्यादा डीप नहीं पूछे जाएंगे। ऊपर ऊपर से मतलब है अब आपको आसान लग रहे हैं, आपके सामने बुक है, कॉपी है, नोट्स हैं, क्लासेज हैं, आपको आसान लग रहा है कि ये क्वेश्चन हम कर देंगे। जब यही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं तो उस टाइम ये टफ भी लगते हैं, इम्पोर्टेंट भी लगते हैं और यूनिक भी लगते हैं। ऐसा लगता है ये क्वेश्चन हमने पहले कभी पढ़ा ही नहीं है। तो यही क्वेश्चन है इस लेसन से, इसके अलावा और कोई कोशिका की संरचना और प्रकार से क्वेश्चन नहीं बन सकता। मैंने इस एक एक लाइन से पूरे क्वेश्चन उठाए हैं। इसमें भी मैंने बहुत आपको कुछ अलग चीज़ें भी बताई हैं जो एनसीईआरटी की बुक में नहीं थी, जो मुझे इम्पोर्टेंट लगी मैंने इनमें शामिल कर ली। तो इसके अलावा अगर आप प्रत्येक टॉपिक के 50 से 60 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो तो 7 टॉपिक के इतने अच्छे क्वेश्चन आपके अंदर कलेक्शन हो जाएगा आपके दिमाग में कि आप अच्छे से 5 क्वेश्चन में से 4 या 5 के 5 टोटल कंप्लीट कर दोगे और ज़्यादा डीप क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो ये पार्ट भी हमारा ख़त्म हो गया। अब हमारे सिर्फ 2 टॉपिक बचे हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। और वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो इम्पोर्टेंट कंटेंट है आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ये पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि दूसरों को भी इसका फ़ायदा हो सके। थैंक यू। जय हिंद।